हेलो डी स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर आप जानेंगे ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर जिन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, उसके अंदर सबसे पहले ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, इसका परिचय क्या होगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मीडियन क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का। फिर हम बात करेंगे कि जो एल्टीट्यूड होता है वो किसी भी ट्राइंगल का क्या होता है, जिसको हम शीर्षलंब कहते हैं हिंदी में। और इसके अलावा हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि जो ट्राइंगल होता है उसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो त्रिभुज है उसका बाह्य कोण और इसके प्रॉपर्टीज, इसके गुण क्या होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में, जिसमें कि आप जानेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, यानी कि एक किसी भी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो जो स्पेशल ट्राइंगल्स होते हैं, जिसमें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल होता है, वो किस तरीके से होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं उनकी। उसके अलावा हम बात करेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स, यानी कि जो ट्राइंगल होता है उसके जो साइड्स होती हैं उनका जो सम होता है वो ट्राइंगल का क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल्स और उस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, चाहे वो पाइथागोरस हो चाहे वो ट्राइंगल्स के टाइप्स हों। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है। देखिए कुछ चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें बेसिक से पता होना चाहिए। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा, राइट। और लाइन आपको पता है बहुत सारे जब पॉइंट्स को मिलकर के जो होती है वो हमारी लाइन बनती है, और जब दो लाइनों का फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा एंगल, और जब तीन लाइनें हो जाती हैं उसको हम कहते हैं ट्राइंगल। तो अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं जिसमें कि तीन साइड्स हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, जैसे ये ए बी सी, ये क्या है, एक क्लोज कर्व है जिसकी मदद से ये लाइन सेगमेंट कहलाएंगे आपके, ए बी और ए सी और बी सी, राइट। इनकी मदद से क्या बनाया, हमारा ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राई एंगल, यानी कि तीन एंगल्स हैं, तीन साइड्स होती हैं, तीन वर्टाइसेस होती हैं। तो वर्टाइसेस के बारे में आपको पता है, ए बी सी इसके वर्टाइसेस हैं, ए बी एंड सी। अगर हम बात करें एंगल्स की तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये इसके एंगल हो गए। अगर हम साइड्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए बी फिर बी सी और फिर ए सी या फिर सी ए, ये इसके क्या होंगे, साइड्स होंगे। तो हमें पता है कि अगर हम बात करें साइड के बेसिस पे ट्राइंगल कितने होते हैं, तो साइड के बेसिस पे स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। एंगल के बेसिस पे बात करें तो एक्यूट एंगल, ऑब्स्टिट्यूस एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरीके से हम इन चीज़ों को हम बना सकते हैं, राइट। और ट्राइंगल्स को आप अपने अकॉर्डिंग भी और बेटर वे में समझने के लिए आप इसके ऊपर क्राफ्ट कर सकते हैं, डिजाइंस कर सकते हैं, और बेटर वे में समझ सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मीडियन होता है ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन होता है, मीडियंस का मतलब क्या होता है, त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। और मीडियन जो होता है ना किसी भी ट्राइंगल का, वो ये मीडियन कहलाता है। आप देखिए ए बी सी के अंदर ये जो है ना, ये इसका मीडियन कहलाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें एल्टीट्यूड के बारे में, तो एल्टीट्यूड ये होगा किसी भी ट्राइंगल का। अगर हम बात करें एल्टीट्यूड के बारे में, तो एल्टीट्यूड जो होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो लाइन सेगमेंट में आप देख पा रहे हो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, तो ये बी डी इसका एल्टीट्यूड होगा और ये इसका एल्टीट्यूड होगा। लेकिन अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन बिल्कुल बीच में, यानी किसी भी लाइन को जब दो पार्ट्स में डिवाइड करती है वो मीडियन कहलाती है, यानी कि बी डी और डी सी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे मीडियन की कंडीशन में, राइट। और ये एल्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया कि एल्टीट्यूड क्या होता है, ये होता है इसका कंप्लीट एल्टीट्यूड, आप देख पा रहे होगे बी डी और ई बी डी, ये कंप्लीटली एल्टीट्यूड कहलाएगा। एल्टीट्यूड के बारे में आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर के एंगल की तरफ बना हुआ है, वो किसके बराबर क्या होता है, ये जो एंगल 4 है ना वो किसके इक्वल है, एंगल 1 एंड एंगल जो 2 है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ये तो प्रॉपर्टीज आपको पता है। अभी जो साइड ऑफ ट्राइंगल होता है ना, ये ए सी, और ये जो एक्सटेंडेड साइड होती है ये इसकी एक्सटेंडेड साइड कहलाती है, इस पर हमारा एक्सटीरियर एंगल बनता है। और इन दोनों का सम जो एंगल 4 होगा वो 1 प्लस एंगल 2 इसके बराबर होगा, एंगल 4 जो होगा हमारा। तो इस तरीके से चीजों को आप इजिली समझ सकते हो, राइट। इस तरीके से आप इस चीजों को क्या कर सकते हो, इजिली समझ भी सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं।
और हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड होने वाली है। अगर हम बात करें एंगल सम प्रॉपर्टीज के बारे में किसी भी ट्राइंगल की, तो इजीली इसको समझा जाता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब इसको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के ऊपर अगर हम इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो क्या होगा, ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, ये पैरेलल लाइन होगी। तो ये हमने क्या किया, BC के पैरेलल ये DF को कर दिया, तो हमने पैरेलल ड्रॉ किया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1, 2 और 3 का जो सम है वो 180 डिग्री है। और आपको पता है कि ये जो एंगल DAB है, DAB जो है, ये वाला जो एंगल है राइट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ABC के इक्वल होगा। यानी कि ये जो जेड है इसके इक्वल होगा, ये अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल जेड राइट। इसी तरीके से अगर ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर होगा। तो हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो DAB प्लस BAC, ये DAB और प्लस DBAC, BAC यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला, तीनों 180 डिग्री के होंगे। तो हमें पता है कि ये इक्वल है, तो ABC रख दिया, यहाँ पे BAC रख दिया, BAC ऑलरेडी था, यहाँ पे ACB के बराबर है। तो 1, 2 और 3 के एंगल 180, यानी कि 1, 2, 3 जो है वह 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरीके से आप एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हो। बट आपको केवल ये याद रखना है कि जो ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ये चीज़ आपको फोकस करनी है और यहाँ पे आपको ध्यान भी देना है राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टू स्पेशल एंगल्स के बारे में कि क्या होता है, इक्विलेटरल एंगल क्या होता है, आइसोसेलिस क्या होता है। इक्विलेटरल का मतलब ही सिंपल है कि जिसमें तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है, वो हमारा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। और इसी तरीके से इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक और नाम है जिसे हम इक्वेंगुलर भी कहते हैं। इक्वेंगुलर यानी कि जिसके एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर हम आइसोसेलिस की बात करें कि जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, वो हमारा क्या होता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल होता है। आइसोसेलिस यानी कि जिसमें दो होते हैं, और इसके लाइन में क्या होता है, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है। आइसोसेलिस में क्या होगा, दो होंगे साइड्स इक्वल होगी, दो साइड, दो एंगल भी इक्वल हो सकते हैं। ये तो हमने स्पेशल कैटेगरीज भी देखी। हम बात करते हैं सम ऑफ लेंथ क्या होता है। अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका जो एक थ्योरम है जिसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हमें दिया हुआ है ABC जो है वो इस पिक्चर में दिया हुआ है, ABC आप देख पा रहे हो। वी नीड टू प्रूफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड से वो ग्रेटर होती है थर्ड साइड के। तो हमें इसे क्या कहना है कि जो AB है राइट, और जो AC है, AB और AC का जो सम है वो BC से बड़ा होता है। AB और AC का जो सम है वो बड़ा है किससे, BC से बड़ा होता है राइट। तो इस तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, प्रूफ करना है। लेट्स एक्सटेंड BA टू पॉइंट D, जो BA है उसको हमें पॉइंट D तक क्या करना है, एक्सटेंड करना है राइट। इस तरीके से आप देख पाओगे कि जो AD है वो इक्वल है AC के, ये जो AD है ना वो AC का क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं इसी एक। अब इसमें प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हैं आप चाहें तो, लेकिन बट आपको ध्यान क्या रखना है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। देखिए अभी आपके सिलेबस में प्रूफ करने का नहीं है राइट, बट अगर आपसे प्रूफ करने को पूछा जाता है तो आप एक्सटेंड करके चीजों को प्रूफ दिखा सकते हो, और इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो कि जो सम ऑफ टू एंगल्स होता है, दो एंगल्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड के इक्वल होता है। बस ये चीज आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं और एक और कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझेंगे जिसके अंदर दिया हुआ है कि जो राइट एंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। देखिए ये इस व्यक्ति को आप देख रहे हो, ये जो व्यक्ति है ना, इस ये पाइथागोरस जो है वो ऑलरेडी पहले हमारे इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि जो ऐसा होता है। इसी चीज़ को कॉपी करके जो पाइथागोरियन नाम के एक व्यक्ति ने इंडिया के कॉन्सेप्ट को कॉपी करके इन्होंने ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो आप देख पाओगे राइट एंगल जो ट्राइंगल है, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से ही हैं और प्रूफ की गई हैं राइट। तो आप देखोगे कि जो पर्पेंडिकुलर और जो बेस है, परपेंडिकुलर जो बेस है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल में क्या होता है, एक 90 डिग्री एंगल होता है जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस होता है और ये हाइट होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ना वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये इस चीज़ को आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हो अलग अलग तरीके से, ट्राइंगल्स में लेकर के आप प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन बट आपको बस ये ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज के अंदर राइट। और बहुत बार ऐसा होता है कि प्रूफ करने को भी आता है लेकिन हम उस कंडीशन में अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। और आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है
जिसमें कि हमने सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, हमने जाना ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें एंगल्स किस तरीके से होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं ट्राइंगल्स रिलेटेड और उसकी एंगल्स रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमने जानी। अगर आपको फिर भी लगता है ना कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो भी कोर्सेस आपको हमारे अवेल करने हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेस हैं, के से लेके केजी से लेके 12th तक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने फ्री में अवेल कर सकते हो आप लोग। आपको करना कुछ भी नहीं है, केवल ज्वाइन लिखना है और कोर्सेस का नाम लिखना है और अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है, और आप जल्द से जल्द हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करती है। जो फ्री बैचेस चलते हैं उनमें भी आप इनरोल हो सकते हो। सो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर पीसीएस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।